नमस्कार आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बहराइच जिले के मीरपुरवा में रविवार की रात करीब 2 बजे मोतीपुर वन क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर स्थित दीक्षित ढाबा पर वन कर्मियों और एसटीपीएफ की टीम ने घेराबंदी कर एक डीसीएम बेशकीमती खैर की लकड़ी पकड़ी है। बीती रात मुखबिर की तरफ से सूचना मिली थी कि नानपारा लखीमपुर नेशनल हाईवे पर किसी वाहन पर जंगल की लकड़ियों को ले जाया गया। सूचना मिलने के बाद वन क्षेत्राधिकारी शत्रुघ्न लाल ने एसटीपीएफ के एसआई सत्येंद्र कुमार से संपर्क कर टीम गठित कर खपरा वन चौकी से कुड़वा वन चौकी तक नेशनल हाईवे की घेराबंदी कर ली। कुड़वा वन बैरियर पर तैनात वन दरोगा आनंद गांधी ने बताया कि रविवार की रात करीब 1 बजे हाईवे स्थित कुड़वा वन बैरियर पर तेज रफ्तार से आ रही एक डीसीएम, जिसका नंबर UP44AP1196 है, उस पर लकड़ी लदी देख वन कर्मियों ने गाड़ी को रोकना चाहा, लेकिन हाईवे पर वन फोर्स को आता देख कर गाड़ी चालक ने वाहन की रफ्तार बढ़ा दी। इसके बाद वन टीम ने डीसीएम का पीछा कर दीक्षित ढाबा से कुछ ही दूरी पर गाड़ी को पकड़ लिया। इस डीसीएम में खैर की बेशकीमती लकड़ियां लदी हुई थी, जिसको बरामद कर लिया गया है और गाड़ी के चालक राजमल तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही गाड़ी में मौजूद एक अन्य व्यक्ति पिंकू नामक व्यक्ति, जो देहात कोतवाली बहराइच का रहने वाला है, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया। वन क्षेत्राधिकारी शत्रुघ्न लाल ने बताया कि खैर से भरी डीसीएम को वन रेंज कार्यालय मोतीपुर लाया गया है। अभियुक्तों से खैर की लकड़ियों के बाबत पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुमार जी, आपकी टीम में कौन कौन थे? मेरे टीम में लगभग सभी सदस्य थे, और मेरे साथ अनिल पांडे हो गया, दयानंद कुशवाहा हो गया, रंजीत यादव हैं, सुनारायण है, और गुरदीप सिंह, रमेश यादव, तो लगभग हम लोग जितने स्टाफ होते हैं टीम के रूप। वन क्षेत्राधिकारी हमारे सामने हैं, क्या मामला है? मामला ये कि वो चस्तर से मुझे गुप्त रूप से कुछ सूचनाएं मिली कि डीसीएम इधर से जाने वाली है, तो मैंने अपनी टीम का गठन किया। हमारी टीम में एसटीपीएफ के सभी जवान थे और पीसी साहब भी थे। हमारे दफ्तर बाबू श्री शिव कुमार शर्मा जी और पीसी साहब, हम तीनों लोग मिलकर के एक समिति का मतलब गठन किया। हम टीम को किस हिसाब से कहां कहां सेट करेंगे, उस टीम को सेट के अनुसार मैंने तीनों जगह से टीम को अपना गठन करके गुप्त रूप से लगा दिया। एक टीम हमारी उधर बहराइच रोड पे लगी हुई थी, एक टीम हमारी कुड़वा चौकी के ऊपर लगी हुई थी। और ये लकड़ी आपने कहां पे पकड़ी है? ये लकड़ी मैंने कुड़वा बैरियर के ऊपर पकड़ी गई। कितने मुजरिम पकड़े हैं इसके साथ? इसके साथ में 2 मुजरिम पकड़े गए हैं। उनके साथ क्या कार्रवाई करने का इरादा है आपका? कार्रवाई जो भी राज्य की कार्रवाई होती कानून, वो मैं कार्रवाई करूंगा। लगभग अनुमानित लागत कितने का माल आपने पकड़ा होगा? अब लागत के अनुसार गाड़ी तो लगभग 15-16-17 लाख की होगी ही होगी, और उसमें लकड़ी की लागत तो वही बता सकता है जो खैर बनाता हो, फैक्ट्री वाला, या जो व्यापार करता हो। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।